आज का जो पहला काम है वो है स्कूटी बन रहा है। मेरे पास स्कूटी था होंडा एक्टिवा 4G जो मैंने आपको बताया नहीं, उसका आज ना मरम्मत चल रहा है। तो हम लोग हैं अभी राजू मोटर मैकेनिक से और अंदर चलते हैं। राजू भाई देखिए मेरा स्कूटी का हाल क्या करा है इन्होंने, मैं दिखाता हूँ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। राजू भाई कैसे हैं? ठीक है। ओ ये चल रहा है, इलाज चल रहा है। ये धन्नो का हाल देखिए, ओ माय गॉड, किसने करा इसका बलात्कार राजू भाई? देख रहे पार्ट पार्ट निकल चुका है, इसमें बहुत सारा दिक्कत था। मैं आपको एक्सटर्नल जो दिक्कत था वो मैं आपको बता रहा हूँ। सामने का जो है ये व्हील गार्ड जो होता है मड गार्ड, वो पूरा सड़ गया था, ठीक है। और इस कलर का हम लोग को मिला भी नहीं, तो हम लोगों ने जुगाड़ करके बनवाया है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा बना है। दूसरा ये प्रॉब्लम था कि ये आपको दिख रहा है सामने का ये जो फ्रंट वाइजर होता है, क्या बोलते हैं इसको राजू भाई, बॉडी था ये क्रैक हुआ था, ठीक है, देख रहे हो। तो इसको हम लोगों ने ऐसे यू फेंक दिया, ठीक है, और वो वहाँ नया आया है। और बाकी डेंटिंग पेंटिंग का काम था, ये देख रहा है ये सारा डेंटिंग पेंटिंग का काम है। धीरे धीरे पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो आज होप कि कंप्लीट हो जाएगा, है ना राजू भाई, आज बन जाएगा ना। तो आज धन्नो की करेंगे सवारी। देख लो राजू भाई ये काम चल रहा है, ये पूरा मडगार्ड जो ना पूरा जुगाड़ से तैयार हुआ है। राजू भाई का ये दिमाग था कि ये ना अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसी को तैयार करते हैं फिर से। डेंटिंग पेंटिंग आपको दिख रहा होगा अंदर से, ये है ना देख रहे हो, पूरा अंदर से चदरा मार के डेंट करके ऊपर से पेंट किया गया है। जितना भी डस्ट है अंदर से यहाँ पर सफाई होती है, वो सफाई कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, राजू भाई मैकेनिक के पास अगर आप आते हैं तो ये रहा हथियार, देख रहे हो बंदूक है, ये बंदूक ये लगाया, ये राजू भाई आ जाइए, उत्तरी राजू भाई बॉडी बड़ा गया क्या? मुझे भी यही लगा था, अब अचानक से बॉडी छोटा हो जाएगा, वो क्यों? इसके लगाने का जो सही तरीका है वो सब सारे मिस्त्री को नहीं पता होता, चुनिंदा मिस्त्री को पता होता है, वो कैसे आप खुद ही देख लो, इजीली हो जाएगा। अब आपको लग रहा है ना बॉडी छोटा है, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, नीचे का जो फुट रेस्ट है वो और ऊपर का जो हेडलाइट्स का मीटर का एरिया है सबको हटाना होता है, उसके बाद ही आप इस बॉडी को सेट कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन तरीका यही है, वरना मिस्त्री लोग ऊपर से काट देते हैं ब्लेड से और आपका स्कूटी हो जाएगा, खराब हो जाएगा बिल्कुल ही। स्कूटी का सीट भी जो है ना पूरा कुतर दिया गया था, चूहे के द्वारा या आदमी के द्वारा, कुत्ते के द्वारा, पता नहीं क्या होता है लोगों को कमीनों बच्चों के साथ, कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पे खड़ी है ना तो वो कोशिश करते हैं उसे बदसूरत बनाने का, ठीक है, ये एक टैलेंट होता है लोगों का। तो सीट भी ख़राब हो चुका है, तो सीट भी दोबारा बनाया गया, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 300-350 या 250 में सीट आपका अब बन के तैयार हो जाता है, जो कुशन वगैरह अंदर लगता है वो लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद से देखो जो थोड़ा मेरा डेंटिंग पेंटिंग का काम बचा हुआ है वो फिनिश होने के बाद हम लोग चलेंगे वहाँ करवा लेंगे, जब तक देखते हैं गाड़ी बनते हुए। भाई आज किसी भी सूरत में तो गाड़ी बनवाना ही है मुझे, कंप्लीट करना है हर चीज़। मेरे स्कूटी में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था, जबकि मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या खराबी था। सबसे पहले तो जो फ्रंट मड गार्ड है वो सड़ा हुआ था, पूरी तरीके से गल गया था, उसका रिपेयर हुआ है। सीट कवर ख़राब था पूरी तरीके से, शॉकर में प्रॉब्लम था, बॉडी टूटा हुआ था, कई जगह डेंटिंग पेंटिंग हुआ है,
पीछे का हेडलाइट का बल्ब खराब था, फुट स्टेप जो था वो टूटा हुआ था। लगभग 5 से 7 हज़ार में आपका स्कूटी जो है बेहतरीन तरीके से सर्विस हो जाएगा भाई यहाँ पे राजू मैकेनिक में। फाइनली हमारी धन्नो जो है वो रात के 9:30 बजे कंप्लीट हुआ, और राजकुमार और हम फ्री हुए। आप देख लो एक झलक, पहले तो एकदम यार कच्चा बना हुआ था, पहले कैसा था एक झलक देख लो आप, ऊपर से नीचे तक पूरा डेंटिंग जो था पूरा सड़ा हुआ है, देख लो मडगार्ड सॉकर खराब है, सारा वायर खराब है, सामने का बॉडी पूरी तरीके से टूटा हुआ है, और अब कैसा हुआ है वो आप एक बार देख लो। बहुत कुछ जो है इसमें चेंज हो गया है, यानी कि कुछ तो खुद से जुगाड़ लगा किया गया है, चाहे वो स्टैंड हो या पीछे का वाइजर वगैरह हो, बस कुछ चीज़ें हैं जो आए का ये सब चेंज हुआ है, ये सामने का बॉडी, बाकी ये सब तो पेंट वेंट करवा दिया था मैंने, ये भी आए का जो मड गार्ड है वो भी पेंट ही हुआ है, जुगाड़ से बनाया है वेल्डिंग वेल्डिंग करके डेंट पेंट करके, बाकी सुबह में धुल के एक फ्रेश सा आपको मैं इसका लुक दिखाऊंगा, ठीक है देखते हैं कैसा लगता है, और राउंड अप करेंगे कम से कम, घूमेंगे पूरा गांव इसी से।